कराची के दामन में किताबों का एक मख्फी खजाना है जो बहुत सी आंखों से ओझल है। आपने कराची में किताबों के कई बाजार लगते देखे होंगे, शायद रीगल चौक के करीब फुटपाथ बाजार से भी गुजर हुआ हो। इस शहर में ठेलों पर भी किताबें फरोख्त होती हैं। 50 रुपए, 50 रुपए, किताबें 50 रुपए भाई, किराया 50 रुपए। लेकिन किताबों के गोदाम का तस्वीर कुछ नया सा है। कराची के इलाके शेरशाह में किताबों का एक ऐसा गोदाम मौजूद है जहाँ बस नाम लीजिए और किताब तलब कीजिए। है ना कमाल की बात, यहाँ से घूमते हुए आए और आए, इधर आए, आपको दिखाता हूँ एक और चीज। ऐसे ही शेल्फ्स जो है ना, वो बने हुए जैसे भूल भुलैया होती है ना, आप बस किताबें ढूंढते चले जाएं, ढूंढते चले जाएं और ढूंढते चले जाएं। ये देखो, हर सेक्शन में अलग अलग किताबें मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्मार्ट होम गाइड मिलेंगी, इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। हर सेक्शन अलग अलग है, बराबर में लॉ से रिलेटेड बुक्स हैं, उसके बराबर में साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं। तो ये पूरी राहदारी बनी हुई है जिसके अंदर आए अपनी पसंद की किताब तलाश करें। किताबों के इस गोदाम में मुख्तलिफ मौजूआत पर हजारों किताबें मौजूद हैं। नर्सरी से लेकर PhD तक ये तमाम रेफरेंस बुक्स शहरियों की दस्तरस में हैं। हम गोदाम में घूमते घूमते किताबों के पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ, किताबों का पहाड़। ऐसे कार्टन्स रखे गए हैं कि पहाड़ का गुमान हो रहा है। मैंने भी दो किताबें ढूंढी हैं, एक हेलन केलर की है और दूसरी नेल्सन मैंडेला की स्टोरीज हैं। गोदाम के मालिक मंसूर मोहम्मद सिद्दीक ने 32 साल कबल खोड़ी गार्डन में किताबों का ठेला लगाकर इस काम की शुरुआत की थी। बकौल उनके, इस गोदाम में आज इतनी किताबें हैं कि एक बुक प्लाजा कायम हो जाए। अभी भी बुक के शेदाई और बुक लवर बहुत हैं। वो ज़्यादातर आपको पता है कि ऑनलाइन से ही परचेज करते हैं और हमारे पास समझो कि पूरा खजाना है। हम चाह रहे हैं कि कराची के अंदर कोई ऐसा बुक प्लाजा हो जहाँ से कस्टमर, स्टूडेंट सबके लिए ईजी हो। जैसे कि सदर के अंदर पार्किंग प्लाजा है जो प्राइस मार्केट में $100 की, $150 की जिसकी एक्चुअल प्राइस होती है, वो हम 2500 रुपये में, 2000 में, 1500 में, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये की बुक सेल कर देते हैं। ये इम्पोर्टेड किताबें हैं। किताबों की क्वालिटी वाकई कमाल की है। किताबें आसानी से ढूंढ ली जाएं, इसलिए सेक्शंस भी बनाए गए हैं। यहाँ बच्चों का एक खसूसी सेक्शन बनाया गया है और यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी मार्वल की एवेंजर्स, DC एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू नीड टू नो, स्टार वॉर्स की जो किताबें हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बड़े रीजनेबल रेट्स पे हैं। उससे भी हटकर एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं। ये ज़रा किताब देखें, स्पिरिट ऑफ द पोलर रीजन्स। इसकी क्वालिटी और इसका जो वज़न है और इसकी जो किताब जिस तरह ये बनी हुई है, जितने प्यारे इसके कलर्स हैं, तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ख़जाना है। और उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ से लेके तकरीबन ये जो पूरा शेल्फ है इसके अंदर सारी किताबें बच्चों की हैं और उनको आसानी से ये सब्जेक्ट समझ आ जाएं। इस नौयत की किताबें और इंटरनेशनल नौयत की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। मंसूर मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि एक दौर ऐसा था जब किताबों की खरीदारी पर लड़ाई हुआ करती थी। जोड़िया बाजार के अतराफ तारीखी इमारतों का हुस्न और किताब पढ़ने वालों का रश कराची की खूबसूरती थी। उस टाइम पे तो ऐसा सिस्टम था कि बुक्स पढ़ने वाले लोग ज़्यादा होते थे और बुक्स कम आती थी। बाद ऐसा भी होता था कि एक बुक्स आ गई कोई हिस्ट्री में, वो दो बुक्स आ गई और लेने वाले परचेजर उसके 10 होते थे। उस पर लड़ाई होती थी कि यार ये हमें दे दो, वो हमें दे दो। कस्टम हाउस से जितने भी लोग होते थे, लंच का जब टाइम होता था ब्रेक का, सारे बुक्स पढ़ने आ जाते थे। अराउंडिंग में सारे इंश्योरेंस, IH चंद्रीगढ़ रोड पे ऑफिस वगैरह होते थे तो वो सारे लोग यहाँ पे होते थे। मतलब कि एक कहावत भी होती, बोले जोड़िया बाजार में धक्का दूँ, मतलब कि आदमी से आदमी टकराता था। गोदाम के दरवाजे पर आपको कोई बैनर नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदर पहुंचकर समा ही बदल जाएगा। ऊपर से नीचे सिर्फ किताबें, इतनी किताबें कि हमें भी यहाँ 4 घंटे हो गए, वक्त का एहसास नहीं हुआ। आप भी शायद इस भूल भुलैया में इतना महव हो जाएं कि आपको वक्त का अंदाजा ही ना हो। शहरियों तक किताबों की आसानी से रसाई के लिए जनरेशन बुक्स के नाम से वेबसाइट भी बनाई गई है।